हाय, वेलकम बैक टू सूर्य आर्चर एकेडमी। दिस इज ज्ञानेश्वरन एंड आज अपने साथ है बारनेट एक्सपी 370 क्रॉसबो। सो मेरा फर्स्ट क्रॉसबो था 2015 में, बारनेट रिक्यूट कंपाउंड क्रॉसबो, वो मैं खरीदा था। अभी बहुत सालों के बाद मैंने ये क्रॉसबो खरीदा हूँ एंड इट इज़ लाइक ब्लैक कलर बॉक्स, यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख सकते हो। सो यू कैन सी हियर बारनेट एस्टैब्लिश्ड इन 1962। सो ये क्रॉसबो बहुत स्पेशल होने वाला है, मेरा फेवरेट भी है। यू नो बारनेट कंपनी इज़ वेरी गुड। सो आप जो भी बारनेट का क्रॉसबोस खरीदना चाहते हो आप गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पे आप बस बारनेट बोल के टाइप कीजिए, यू विल बी गेटिंग द पोर्टल एंड उसमें जाके आप ये बारनेट क्रॉसबो खरीद सकते हो। यही नहीं, बहुत सारे क्रॉसबोस होते हैं, बारनेट के मॉडल्स है, उसमें आपको जो भी पसंद आए वो डायरेक्टली आप खरीद सकते हो फ्रॉम USA। सो ये बारनेट कंपनी है, USA का है, सो इट इज़ मेड इन USA। नाउ इसे अनबॉक्सिंग करने के बाद यहीं पे फिक्स करूंगा एंड शूटिंग भी यही वीडियो में हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलो ओपन कर लेते हैं अपना बॉक्स, वी जस्ट ओपन इट। सो करीब आइए, आप देख सकते हो दिस इज द बो। सो यहाँ पे आपको अच्छा सा लिखा हुआ है XP370 एंड रेड डॉट साइड है एंड ऑल्सो ग्रीन डॉट, दो भी डॉट्स अपन चेंज कर सकते हैं। सो वी गॉट ए स्कोप हियर, कंप्लीट ब्लैक कलर में आ चुका है। तो मैनुअल भी है यहाँ पे, यू कैन सी बारनेट एस्टैब्लिश्ड 1962 एंड पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बारनेट आउटडोर्स डॉट LLC। इस पे आप जाके खरीद सकते हो, यू कैन जस्ट टाइप इट ऑन द गूगल एंड यू कैन बाय। सो इस पे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर है एंड इवन इंस्टाग्राम पे भी बारनेट के प्रोडक्ट आप देख सकते हो। यूट्यूब पे भी डायरेक्ट अगर आप बारनेट पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे अभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे बारनेट के। सो ये मैनुअल एक बार ओपन करके देख लेते हैं, एवरीथिंग इज रिटन, कैसे आप एडजस्टमेंट करना है, कैसे आप शूट करना है। सो यू कैन सी द पिक्चर्स हियर, ओके। सो चलो इसे साइड कर लेते हैं एंड नेक्स्ट थिंग अपन देखते हैं इसमें क्या है। ओके, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, स्टॉप जो आप करना है नहीं करना है यहाँ पे आपको लिख के हुआ है एंड यू जस्ट गो थ्रू इट, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। एंड और एक थिंग है इसमें, लेट्स सी। सो पहले इसे ही ओपन कर लेते हैं, ब्यूटीफुल, वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है, टैग भी दे चुका है बारनेट का, वी हैव अ टैग एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टैग में इट इज़ लाइक XP370 एंड इसमें जो जो भी चीज़ आपको मिलता है वो पूरे डिटेल दे चुके हैं, आप पास करके भी इसे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बारनेट द सेम एस्टैब्लिश्ड 1962, सो बिल्ट फॉर द हंट, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ट फॉर द हंट, बारनेट क्रॉसबोस डॉट कॉम। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू हियर, यहाँ पे आप बारनेट क्रॉसबोस ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना एडजस्टेबल स्टॉक है एंड यू जस्ट सी यहाँ पे ये बटन प्रेस करना होता है, वी हैव ए बटन हियर, लूप है, सो यू कैन सी 5 लूप्स, 1, 2, 3, 4 है एंड अंदर एक है। सो यहाँ पे 4 लूप में आप एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट क्लिप ऐसे एडजस्ट हो जाता है। सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें बारनेट में, बस प्रेस करके निकालना एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रीडिंग भी आपको दिख रहा होगा। सो अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है चिक पैड एंड इवन वी हैव, सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, आई थिंक वी कैन रिमूव इट जो मैं देख रहा हूँ एंड बट स्टॉक भी अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 स्क्रूज दे चुका है, सो वी कैन रिमूव इट एंड वी कैन एडजस्ट अप टू एज वी रिक्वायर। सो ये भी प्लास्टिक का है, रबर का है, सॉरी इट इज़ रबर, बहुत स्मूथ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी गॉट ए रेड वन, फायर एंड सेफ्टी, ये 2 तरफ दे चुका है आपको, इस तरफ भी है एंड इस तरफ भी है, ट्रिगर टेक्नोलॉजी है ट्रिगर टेक का। सो यू कैन सी हियर दिस ट्रिगर इज वेरी स्मूथ, बस 3 LBS का पावर पाउंडेज से अपन रिलीज कर सकते हैं, बहुत इजीली शॉट होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉशन है, डू नॉट प्लेस थंब और फिंगर अबोव फ्लाइट ट्रैक। सो ये बोल रहा है आप कभी शूट करते वक्त फिंगर थम या हाथ इस पे नहीं रखना चाहिए। सो ये कंपनी से आ चुका है स्टिकर, इसे हम निकाल देंगे बाद में। सो अभी क्या है इसमें आप देख सकते हो,
पिकाटिनी रेल आपको थ्री तरफ देख चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट गॉट द थ्री टाइप पिकाटिनी रेल। यहाँ पे एक है, नीचे एक है एंड इस साइड भी एक है, जो भी आप चाहिए जैसे कि यू कैन जस्ट एडजस्ट एनीथिंग लाइक लेजर लाइट एडजस्ट कर सकते हो या नहीं तो व्हाट वी से इवन टॉर्च लाइट, बहुत सारे शूटर्स टॉर्च लाइट भी अटैच करते हैं एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट चीज़ है स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक रख लेते हैं एंड ये तो ऑलरेडी फिक्स होके आ चुका है, कोई टेंशन नहीं है, बस वी नीड टू फिक्स विथ वन बोल्ट एंड इट इज़ रेडी टू हंट। सो वो भी मैं फिक्स करके आपको बताऊंगा, बहुत ईजी है एंड इसमें एक चीज़ मिसिंग होता है, यू नो वॉट इट इज़ लाइक स्ट्रिंग सेपरेटिंग केबल। इसमें आपको स्ट्रिंग सेपरेटिंग गार्ड होता है, वो बारनेट कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू बारनेट कंपनी प्रोडक्ट्स, जो भी क्रॉसबो होता है उसमें आपको स्ट्रिंग सेपरेटिंग केबल गार्ड नहीं मिलता है। सो लेट्स सी अभी क्या है इसमें, वी गॉट टू बोल्ट्स। सभी क्रॉसबोस में एक्चुअली वील बी गेटिंग थ्री बोल्ट्स। सो यहाँ पे आपको ओनली टू बोल्ट्स दे चुका है, ये हेड हंटर एक्सपी बोल के है, यू कैन सी इट हियर, हेड हंटर एक्सपी। सो कस्टम कार्बन, बस ये दो ही अपन को मिलते हैं बॉक्स में। दिस वेन डाउन, सो व्हाइट वेन आप कभी भी शूट करते वक्त डाउन तरफ रखना है यहाँ पे एंड वी कैन रिप्लेस, अगर आपको लाइटेड नॉक्स पसंद है तो आप लाइटेड नॉक्स से भी रिप्लेस कर सकते हो। एक क्या पैकेट्स है इसमें देखिए, आई थिंक दीज आर मॉइस्चर, सो मॉइस्चर नए आने के लिए रखे हुए होंगे, सिलिकॉन जेली पैक्स है। अभी इस बॉक्स में क्या है देखते हैं, ओके इट इज वेरी हार्ड राइट, सो वी गॉट अ कवर, इसे भी ओपन कर लेते हैं। यू कैन सी इसमें जो जो भी मिले हैं यहाँ पे आपको दे चुका है, बारनेट हार्डवेयर पैकेट है यूनिवर्सल एंड एरो टिप्स है दो एंड इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल है एंड साइट एक्सेसरी पैकेट है और एक रोप कॉकिंग डिवाइस भी इसमें ही है। सो ओपन कर लेते हैं इसे भी अपन, साइड कर लेते हैं इसके अभी के लिए एंड इस तरफ भी एक बॉक्स है वो भी अपन ओपन करते हैं। ओके नथिंग बट वी गॉट अ क्वाइवर हियर, साइड माउंट क्वाइवर है। एक्चुअली बहुत सारे क्रॉसबोस में सेंटर माउंट आता है बट ये क्रॉसबो में आपको ये साइड माउंट है, इसे मैं ओपन भी करके आपके लिए बताऊंगा, कवर में आपको क्लियर दिख रहा नहीं होगा बट वेरी क्यूट, बहुत छोटा है, इट इज़ वेरी नाइस। सो जस्ट सी थ्री एरोस का है बट अपने पास तो दो ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो बस ये लोग टू एरोस ही सेंड कर चुके हैं, नॉट एरोस एक्चुअली बोल्ट बोल के बुलाते हैं एंड ये क्लिप है, साइड माउंट क्लिप है, प्रेस क्लिप है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसे प्रेस करके निकाल सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड एंड इसे हम यहाँ पे रखते हैं एंड जो भी अपने क्रॉसबो में आया है यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज एलन की सेट, ये आपको अमेजोन पे मिल जाता है, बहुत मदद करेगा, लाइक 7 years का सर्विस दे रहा है मुझे, बहुत सारे बोस फिटिंग में एंड सेटिंग्स करने में मदद करता है। विल बी हैविंग दिस, इसमें दो तरह के मिलते हैं, एक है हेक्सागोन का एंड और एक है स्टार एलन की, यू कैन गो थ्रू अमेजोन, बस 300-400 रुपीज का मिलता है एंड और एक चीज, ये मेरा पर्सनल RCD है, रोप वॉकिंग डिवाइस। सो ऑलरेडी अपन को क्रॉसबो में एक मिलता है, सो आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट, इसे ओपन भी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, सो जो भी मेरे पास पुराना है यही यूज़ करूँगा। सबसे पहले वी गो विथ एरोस, यहाँ पे दो एरोस है एंड वी गॉट बोल्ट्स इन हियर, सो बोल्ट्स अपन ओपन करके इसे फिक्स करते हैं, आप करीब से भी देख सकते हो। सो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन फिक्स इट लाइक दिस, सो इट इज़ वेरी इजी, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया हूँ
आप मेरे YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। एरोस के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हूँ, दिस आर हेड हंटर एक्सपी। सो नेक्स्ट थिंग आता है, राइजर से अपना लिम्स जोड़ना होता है। इट इज़ वेरी इजी, जितने भी क्रॉसबोज थे उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट इस क्रॉसबो में तो ये बहुत इजीली अपन लगा सकते हैं। ऑलरेडी इस पे वैक्स करके आ चुका है, सो फिनिश हो गया। बस अभी इसे एक स्क्रू लगाना होता है, स्क्रू लगा के मैं आपको बताऊंगा। सो एंड हियर यू कम, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊंगा, एंड सो वी गॉट एलन कीस ऑलरेडी। आपको बॉक्स में एलन की दे चुका है, यू नो नीड टू बाई इवन एलन कीस, आप खरीदना जरूरी नहीं है। सो वन स्क्रू इंस्टॉलेशन, सो बॉर्नेट पे यही स्पेशल है। बहुत सारे क्रॉसबोस में आपको बहुत सारे स्क्रूज मिलते हैं, बट इन बॉर्नेट यू नीड टू असेंबल विथ वन सिंगल स्क्रू। ये एक सिंगल स्क्रू अगर आप लगा दोगे तो चलो शूट करना शुरू हो जाएगा। लेट्स फिक्स इट। यहाँ पे आपको एक होल होता है, यू कैन सी इट, करीब आके आप देखिए। सो यू कैन फाइंड द होल हियर, अगर आपको दिख रहा होगा तो। वी हैव टू फिक्स इट इन हियर, बहुत सारे वीडियोस में मैं बताया था। एंड वी नीड एलन की, बस एलन की इसे लगा के हम फिक्स कर लेंगे। सो इट इज़ फिक्स्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल बोल्ट फिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पे एक स्टिकर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो विल रिमूव इट, इसे हम निकाल लेते हैं, इसे पील्ड ऑफ। अभी वैक्स कर लेते हैं, यू कैन सी बॉर्नेट का वैक्स है। सो ये आपको ज़रूरी है अपना जो भी रेल है क्रॉसबो पे। सो वी हैव टू फिक्स, वी हैव टू वैक्स इट। ये आपका रेल पे वैक्स करना होता है। आपका एरो के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड जो भी रेल है ये एल्यूमिनियम का है, प्लास्टिक का नहीं है। दैट इज द ब्यूटी फ्रॉम बॉर्नेट दिस टाइम। पिछले क्रॉसबो में प्लास्टिक का था, बट दिस टाइम इट इज एल्यूमिनियम। सो आपको ज़्यादा लाइफ भी देगा। एंड ऑल्सो वील वैक्स इट ऑन स्ट्रिंग्स। So we'll use the fingers. And ये आपका स्ट्रिंग को अभी ज़्यादा दिन चलने के लिए मदद करेगा। वैक्स डेफिनेटली करना है आपको, कोई क्रॉसबो हो, कोई बो हो, कंपाउंड बो, वॉट एवर द बो इज, बट आपका स्ट्रिंग मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई डिड इट, इसके बाद में अपन शूटिंग कर सकते हैं। इट इज़ रेडी टू शूट। राइट, वैक्सिंग हो चुका है, लेट्स शूट। शूटिंग करने से पहले और एक चीज़, इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड माउंट क्वेवर है, बट मुझे क्रॉसबो बिना क्वेवर का ही अच्छा लगता है, क्योंकि यू नो वेट भी कम होता है। एंड जैसे भी मैं शूट करता हूँ, जिस तरफ चाहे उस तरफ मैं मोड़ सकता हूँ क्रॉसबो को। सो आई डोंट वांट टू फिक्स द क्वाइवर नाउ, जो कि साइड माउंट हो या सेंटर माउंट हो, मैं अभी फिक्स नहीं करने वाला हूँ। बट आपके लिए इफ़ यू वांट टू सी आई कैन शो इट। बहुत सारे वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे फिक्स करना है, बहुत सिंपल है। सो लेट्स बिगिन, अपन एक शॉट 50 मीटर्स पे करेंगे एंड वन शॉट फ्रॉम 30 मीटर्स, मैं आपको शूटिंग करके बताऊँगा। क्रॉसबो फिक्स हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड मैं आपके लिए 30 मीटर्स एंड एक 50 मीटर शूट करके बताऊंगा। लेट्स हैव द शॉट। सो
आप यहाँ पे देख सकते हो लोड होने के बाद क्रॉसबो कुछ ऐसा दिखेगा एंड ये अपना बोल्ट वी हैव टू जस्ट स्लाइड इट डाउन, यहाँ से स्लाइड कर लेते हैं। सो व्हाइट फेदर नीचे हो चुका है एंड रेड फेदर्स दोनों भी ऊपर है। क्रॉसबो कुछ आपको ऐसे दिखेगा लोड होने के बाद, बहुत कॉम्पैक्ट दिखेगा एंड बहुत हल्का है, वेरी लाइट वेट। एक्सपी 370 इज वेरी लाइट वेट। मैं आपको ये बताना भूल गया, क्रॉसबो लोड करते वक्त आई फील सम हैवी, थोड़ा हैवी है बट इट्स ओके। ड्रा साइकिल बहुत स्मूथ है। ड्रा साइकिल होने के बाद जब लोडिंग के एज पे आता है वहाँ पे थोड़ा हार्ड फील होता है एंड विल शूट ऑन ए 30 मीटर डिस्टेंस। मैं आपको नया फेस लगा के आई विल प्लेस ए बैलून, यू जस्ट वॉच द शॉट। सो वी आर शूटिंग ऑन 25 मीटर्स 30 यार्ड्स का टारगेट है। यू कैन सी आपको बैलून दिख रहा होगा, एक बार आप चेक कर लेना। सो विल टेक ए शॉट। सो एलिवेशन वी आर कीपिंग इन रेड, या इट्स ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अंदर जा चुका है एरो, कम्प्लीटली अंदर है। करीब आके भी आप देखिए। सो आई थॉट फ्लेच खराब हो चुका होगा, एक हाथ से तो निकालने में मुश्किल है, फिर भी ट्राई करेंगे। यस। सो ओके, फ्लेचेस कोई डैमेज नहीं है, इट इज़ गुड। सो स्कोप का जीरोइंग है, कोई बात नहीं है, स्कोप इट इज वेरी परफेक्ट। मैंने समझ रहा था जीरो करने का कोई चांसेस होगा। सो स्कोप जीरो करने के लिए आपको दो नॉट्स दे चुका है इसमें, फिर भी कोई जरूरी नहीं है। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एट 25 एंड 30 यार्ड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बारनेट तो बहुत एक्यूरेट शूट करता है। सो दिस वॉज आवर वीडियो एंड आई विल शूट 1 एरो फ्रॉम 50 मीटर्स एंड दैट विल बी द आवर फाइनल एरो। सो आपको 50 मीटर्स दिख रहा होगा, यू कैन सी 50 मीटर्स ऑरेंज कलर बैलून एंड वी आर गोइंग टू शूट ऑन दैट टारगेट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 40 यार्ड्स या 50 यार्ड्स का होगा। सो लेट्स शूट। वी आर ऑल्सो सेम कीपिंग सिटिंग पोजिशन, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज में बताया था, द मोस्ट एक्यूरेट थिंग इज टू सिट एंड शूट। सो ये पोजिशन में बहुत अच्छा एक्यूरेटली शूट कर सकते हो। Done. Also very accurate. इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली नॉट 50 मीटर्स, 40 मीटर्स का डिस्टेंस है एंड अज्यूम करो 50 मीटर्स भी शूट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड वेरी स्पीड 370 FPS। जो भी क्रॉसबो कंपाउंड वो मैं शूट कर रहा हूँ दोज आर लाइक 334 FPS, वही आपको सेकंड में 50 मीटर्स टारगेट हिट करता है। सो नाउ वी आर शूटिंग 370 FPS वाला क्रॉसबो है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 50 मीटर्स पे भी बहुत एक्यूरेटली शूट करता है। तो चलो एक बार देखते हैं एरो कितना अंदर जा चुका है 50 मीटर्स पे एंड विल चेक इट। आप करीब भी आपके देख सकते हो यहाँ पे वी जस्ट गॉट 5 इंचेस या 6 इंचेस का एरो बच चुका है। इट इज़ लाइक 20 इंचेस बोल्ट, सो बाकी का जितना भी था वो अंदर चले गया है एंड इट इज़ फ्रॉम 40 मीटर डिस्टेंस। ये था अपना आज का वीडियो एंड बारनेट एक्सपी 370 FPS। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।